As a prime minister, आप कभी चिल एकदम आराम करते हैं, मतलब कुछ आराम से बैठ के यूं बैठे हैं गार्डन में सोच रहे हैं, बस ऐसे ही कुछ नहीं, चिल आउट के लिए? मेरी मेरी एक 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 आदत है, मुझे अब कर नहीं पाता हूँ, लेकिन मेरा बड़ा स्वभाव रहा है। एक तो मुझे सुबह 5 बजे चाय पीने की आदत है, बिना शक्कर, चीनी में लेता हूँ, हाँ चीनी लेता नहीं हूँ। अच्छा, नहीं लेता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आदत नहीं लेता हूँ। दूसरा, मुझे शाम को 6 बजे दिन में किसी के साथ कटसी के लिए बैठ गया, थोड़ा ले लिया 2 घूंट, तो अलग बात है, चाय की आदत नहीं है, लेकिन शाम को 6 बजे मुझे चाय की आदत है। ऐसा लगता है मेरी बॉडी रिक्वायर कर रही है, लेकिन वो मुझे तब मज़ा आता है, मैं छत के नीचे नहीं हूँ, सीधा आसमान से मेरा संपर्क होना चाहिए, खुले में बैठा हूँ, अकेला बैठा हूँ और वहाँ आराम से चाय पीता हूँ, ये मुझे बहुत पसंद आता है। वो जगह कौन सी है? यहाँ भी मैं कर लेता हूँ और मेरे ऑफिस के उसमें भी कर लेता हूँ। अच्छा। लेकिन जो साउथ ब्लॉक का ऑफिस है वहाँ संभव नहीं है, वहाँ तो एकदम से वो बंद कमरा है, लेकिन ये मेरी पसंद की जगह काम है। दूसरा, एक चीज़ मैंने बहुत की थी, और जो जैसा आपने कहा रिटायरमेंट के बाद क्या करोगे, तो उस काम को ज़्यादा करूँगा, पहले मैं रेगुलर करता था, मैं कभी दिवाली नहीं मनाता था जी। अच्छा, नहीं, मैं दिवाली में 4-5 दिन कहीं चला जाता था, और 5 दिन के लिए मेरी जो रिक्वायरमेंट रहती थी पानी वगैरह वो साथ ले लेता था, और वो भी मैं उठा के ले जाऊँ उतना ही, और मैं पहले रिसर्च करके रखता था कहीं जंगलों में कोई जहाँ इंसान ना हो, लेकिन पीने के लिए शुद्ध पानी अवेलेबल हो, ऐसी जगह ढूंढता था और वहाँ जाके मैं रहता था, कभी पेड़ के नीचे, क्या कोई खंडहर कोई मिल गया तो उसमें पड़ा रहता था। अच्छा, उस समय मैंने तो टीवी वगैरह तो थे नहीं, रेडियो भी मैं साथ नहीं रखता था, ना अखबार, ना कुछ नहीं, कागज़ पेन भी नहीं, किताब भी नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं था। और 5 दिन मैं ऐसे ही अकेला रहता था, प्रकृति को देखना, एक प्रकार से मेरा वो कार्यक्रम का नाम था मैं मुझसे मिलने जाता हूँ। ओके, मैं मुझसे मिलने जाता हूँ, ऐसा ही मेरा, वो मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ी ताकत देने वाली चीज़ है। तो कई वर्षों तक अब नहीं कर पाता हूँ, अब नहीं कर पाता हूँ, अब तो क्या SPG वगैरह ऐसा कवर हो गया है, ज़िंदगी अलग हो जाती है, लेकिन बहुत सालों तक मैंने किया है और मैं उससे बहुत ताकत पाता था, और जो विचार आए आने देता था, किसी विचार को टिकना है तो टिकना, कुछ लिखता भी नहीं था, ऐसे ही रहता था, तो यही मेरा एक तरीका रहता था।